साथियों, आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से भारत में 25 लाख किलोमीटर, यह आंकड़ा जरा बड़ा लगेगा आपको, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और ये 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ये धरती और चंद्रमा के बीच जितनी दूरी है उससे भी 6 गुना ज्यादा है। भारत आज दुनिया का वो देश है जिसने रिकॉर्ड समय में 700 से ज्यादा जिलों में 5G सर्विस पहुंचाई है। और ये 5G टेक्नोलॉजी हमने कहीं से उधारी नहीं ली, इंपोर्ट नहीं की है, बल्कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आज भारत में हर गांव, हर गली में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा है। अमृतसर से लेकर आइजोल तक आपको 10 रुपये का भी कुछ खरीदना हो तो आप उसका डिजिटल पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिछले दिनों आप में से जो हिंदुस्तान गए होंगे, आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है? यही होता है ना, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं, बस आपका मोबाइल फोन काफी है। साथियों, आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है वो सुनकर भी हर हिंदुस्तानी का दिल और आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपके भारत में है। आज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आपके भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क हमारे भारत में बन रहा है। चंद्रमा आजकल हॉट टॉपिक है, इसलिए मैं एक और उदाहरण चंद्रमा से जोड़ते हुए दूंगा। पिछले 9 साल में भारत ने अपने गांवों में जितनी सड़कें बनाई है, मैं गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं, गांव में जितनी सड़कें बनाई हैं वो धरती से चंद्रमा जितनी दूरी को कवर कर सकती है। इतनी लंबी गांव की सड़कें 9 साल में बनी हैं। पिछले 9 साल में भारत ने जितनी रेल लाइनें बिछाई हैं उनकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये मैं 25,000 किलोमीटर बोलता हूं तो सिर्फ एक आंकड़ा जैसा लग सकता है कि चलो भाई 25,000 किलोमीटर हो गया होगा। आप ये समझिए कि इटली में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, पोलैंड में, ब्रिटेन में जितना बड़ा रेल लाइनों का नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल लाइनें भारत ने पिछले 9 साल में बिछाई है।
आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया।